नायक है, वो बार बार सीमाओं के ऊपर अपने पड़ोसी देशों के साथ खुरापाती चाले चल रहा है। पहले गलवान घाटी के अंदर चीनियों ने भारतीय सेना के जांबाज रणबांकुरों से मार खाई, और अब पूर्वी लद्दाख के अंदर फिर से जब चीनियों ने इस प्रकार की शरारत की, वहां भी भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने चीनियों को वहां से भगाया, दुम दबाकर भागते नजर आए चीन के ये कायर सैनिक। चीन की एक कोशिश है कि वो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से बदनाम हुआ है, उस बदनामी के दाग को हटाने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन बहुत बड़ी भूल कर रहा है, बहुत गलती कर रहा है, और किसी बड़ी गलत फहमी में है। इस बार अगर आमने सामने चीन के साथ हुआ तो चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन ने जो काली करतूतें इससे पहले की है, उसकी भारी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी। यहां दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और भारत ने चीन को घेरा है, वहीं लद्दाख के अंदर भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिकों ने लगातार चीन की साजिशों को विफल किया है। चीन किसी गफलत में होगा कि वो इस प्रकार की खुरापाती चाले चलकर भारत देश या पड़ोसी देशों को दबाव में लाएगा। ये 2020 का भारत है जो घुस के मारना जानता है, जो डट के मुकाबला करना जानता है, और चीन अगर नहीं सुधरा तो चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।